हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल हेल्दी एंड टेस्टी आशा की रसोई। सर्दियों में गुड़ खानी ही चाहिए। गुड़ हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। सर्दियों में गुड़ की अलग अलग रेसिपी हम लोग बनाते हैं, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गुड़ नारियल की एकदम से स्वादिष्ट लड्डू। नारियल गुड़ के लड्डू खाते ही मुँह में चॉकलेट जैसी टेस्ट आती है। नारियल गुड़ के लड्डू बंगाली लोग लक्ष्मी पूजा में अपने घर में बना के भोग लगाते हैं। बिल्कुल वही रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए नारियल गुड़ के लड्डू बनाने के लिए ये दो मीडियम साइज के नारियल लिए और इसका काला भाग हटा लिए और इसे मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड करके एकदम से बारीक पीस लिए और इसके साथ ही लिए हैं हाफ कप पतली वाले गुड़। 100 ग्राम है। पतली गुड़ सर्दियों में बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाती है। और इसके साथ ही लिए 2 टेबलस्पून होममेड घी। घर पर घी कैसे बनाएं इसकी वीडियो पहले से अपने चैनल पे डाल दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से देख सकते हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। घी में नारियल को हल्का रोस्ट कर लेंगे। नारियल गुड़ के लड्डू सर्दियों में खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। गुड़ हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसी तरह से हल्का हल्का चलाते हुए नारियल को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। सारे नारियल को अच्छे से रोस्ट कर लिए, अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। सारे नारियल को निकाल लिए, इसी कढ़ाई में डालेंगे 1 टेबल स्पून घी और इसके साथ ही एक गुड़ डाल देंगे और इसके साथ ही डालेंगे 2 टेबल स्पून पानी। ज्यादा पानी का यूज नहीं कर रहे हैं। गुड़ को लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे चिपकने लगेगी। गुड़ का एक तार पाक बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए गुड़ में बॉयल आने लगी, गुड़ से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। गुड़ का कलर चेंज हो गया, ये हल्का ब्राउन कलर होने लगी, ये देखिए। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से टन के एक तार बन जा रही है। ये देखिए लास्ट ड्रॉप एक तार की बन रही है। गुड़ का पाक बन गया, इसमें डालेंगे रोस्ट किए हुए नारियल। हल्का हल्का डालेंगे और मिक्स करेंगे। सारा नारियल को गुड़ में डाल दिया और अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे और हम बीच में चेक करेंगे कि नारियल लड्डू बन रही है कि नहीं। हल्का इसको ड्राई कर देंगे, जैसे ही गुड़ में डालें तो नारियल मॉइस्चर छोड़ती। इस तरह से हम चलाते रहेंगे। लगातार चलाते हुए भून लिए हैं, अब ये थोड़ी ड्राई हो गई। हाथ में थोड़ी सी पानी या घी लगा के थोड़ा सा उठाएंगे नारियल का डो को और इस तरह से दबाएंगे। अगर ये लड्डू के शेप बन रही है तो ये परफेक्ट है। ये देखिए बन जा रही है, ये परफेक्ट है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। बहुत ज्यादा गर्म है इसलिए हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, फिर लड्डू बना के तैयार करेंगे। 5 मिनट हो गए, हल्की ठंडी भी हो गई। अब लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरह से थोड़ी थोड़ी हाथ में लेंगे नारियल का डो को, इस तरह से दबाते हुए। ये थोड़ी सी गर्म है, हाथ में हल्का हल्का लग रही है, लेकिन इसी टेम्परेचर पे लड्डू बनाना है। अगर ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो लड्डू नहीं बनेगी। ये देखिए इस तरह से हम हाथों से दबा रहे हैं, ये देखिए बहुत इजीली बन जा रही है। थोड़ी गर्म है इसलिए सावधानी से लड्डू को बना के तैयार करें।
इसी तरह से सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। नारियल गुड़ के लड्डू बहुत ही इजीली बन भी जाती है। स्वादिष्ट नारियल गुड़ के लड्डू बना के तैयार कर लिए। ये लड्डू बना के आप महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती। नारियल गुड़ के लड्डू की रेसिपी एक बार अपने घर में जरूर ट्राई करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।